इलेक्ट्रिसिटी का जो खंबा एक लगा हुआ, उसकी तेज धमाका हुआ, धार पूरी लाइटें चली गई, पूरी सुंदर नगरी की चली गई गाइस लाइट। वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो अभी बच गए हैं सीधा रात के 9:30। मैं दुकान पे से भी आ गया, ठीक है ना, मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया हुआ। तो अभी हमारी दुकान के आगे जो वो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो खंबा एक लगा हुआ, तेज धमाका हुआ, धार पूरी लाइटें चली गई, पूरी सुंदर नगरी की चली गई गाइस लाइट, हमारी दुकान की भी चली गई। और मैं अभी दुकान बंद कर सीधा आया हूँ। उस टाइम थोड़ा पैंडेमिक का माहौल था, पूरी बत्ती जा चुकी है और इतनी अभी मैं थोड़ी बहुत आग लग रही है। मैं घर के साइड आ गया और भाई देखो पसीना कितना खतरनाक वाला आ रहा है। और गाइस कल का ब्लॉग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी। मैंने आपसे बोला था कि अगर मेरे को ब्लॉग कभी रोकना पड़ा इनकेस, तो कोई बड़ी इमरजेंसी पर रोकूंगा, वैसे नहीं रोकूंगा। बड़ी थी इसलिए नहीं कर पाया। अभी मैं आज का ही ब्लॉग कर दूंगा, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। अगर चैलेंज जो है ना एक्स्ट्रा कर देंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो अगर मैंने जो डे कौन से डे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कराया ना डे में चैलेंज, उसका एक एक्स्ट्रा कर दूंगा। अभी वो भी कर लेंगे, बट अभी जो गर्मी हो रही है ना भाई वो खतरनाक वाली हो रही है। रात में जा चुकी है पूरी बत्ती, इतना तेज धमाका हुआ गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। थोड़ी सी क्लिप चला के इसमें दिखा दूंगा लेना उसको कैसे आग लग रही है, बट वो एकदम बम सा फटा था ना, वो नहीं रिकॉर्ड कर पाया ना, पूरी आग रिकॉर्ड हुई है। यार इतनी गर्मी हो रही है पूरी, मुझे लगता है कि आज बत्ती नहीं आने वाली। देखो पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, पूरे हाथ पैर पसीने हो गए गाइस, इतनी तेज। मेरे को आज सुबह से टाइम नहीं मिला, आपने पूरे दिन दुकान पे था, पापा कहीं गए थे तो दुकान पे था, इसलिए दुकान का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने सोचा थोड़ी देर से करेंगे दुकान का, अगर मैं आपको दिखाता ना दुकान का तो आप बोर होते। मैं एक ही चीज बार बार दिखानी चाह रहा था, तो इसलिए फिर मैंने करा नहीं। और बत्ती जा चुकी है बहुत खतरनाक वाली, खराब हो रही है, मतलब मैं तो पसीने ही देखे जा रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा 10-20 मिनट हुए होंगे लाइट गए, और खतरनाक बत्ती जाने के बाद, इतनी खतरनाक आग के बाद बत्ती डायरेक्ट चली गई। किसी ने भी फोन नहीं कर रहा गाइस फायर ब्रिगेड को कोई भी, और वो हमसे पहले जब मैं करने वाला था उससे पहले किसी ने कर दिया था, वन मैं कर दिया था। और मैं थोड़ा कुछ अंदर दुकान कर रहा था ना सामान, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया था। तो जितने भी खड़े सारे हंस रहे, दांत फाड़ रहे, और किसी ने भी फोन नहीं करा, एक ने भी नहीं। और फिर पता नहीं किसी ने करा होगा, तो फिर आई थी फायर ब्रिगेड, और मजे ले रहे हैं आधे चेयर डाल के, वहाँ चेयर डाल के बैठ रहे हैं, ऐसी बातें चीज़ें कर रहे हैं। जैसे गाइस आ जाती है वैसे तो हमारे यहाँ करते हैं नॉर्मली बंद कराने के लिए दुकान, बट अभी भी कोई नहीं आ पाया भाई। आज अगर नहीं आते तो ये इतना भी नहीं होता। और गर्मी लग रही है, हैं गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, लीजा को गाइस बहुत तेज भूख भी लग रही है, तो भी खाना वाने चलते हैं। गाइस अचानक बत्ती आ गई और आंखें बंद हो गई हैं बिल्कुल, तो अभी बज के 10:30 बज गए हैं और देखो पूरी बत्ती आ गई है। और अभी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पापा दुकान पे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा माल वाल ले गए हैं ना, वहाँ पर ख़राब मिल गया वो देखने के लिए। लाइट आ चुकी है, मतलब सब कुछ सही हो गया है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी यार, पसीना पसीना हो गया गाइस, मतलब पूरी बत्ती आ चुकी है, इतनी तेज आग लगी थी मैं आपको क्या बताऊँ। तो मुझे लग रहा है ठीक हो गया होगा सब कुछ, क्योंकि लाइट आ गई है। जब हम आए थे फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, भैया मेरे को तो लगता है सब कुछ सही हो गया होगा, तो लाइट आ गई है। तो अभी ब्लॉग करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है आज, कैसा रहता है ब्लॉग। मैं यार आज पूरे दिन दुकान पर गया, तो आज मुझे टाइम नहीं मिला, कल कॉलेज जाना है, मतलब आज नहीं गया मैं, कल जाऊँगा, कल परसों भी जाऊँगा। रक्षाबंधन है परसों छुट्टी होगी, कल जाएंगे परसों उसके बाद। ऐसा देखो आराम से नीचे घूम रही है, और ऊपर से उसे मैं बोलूँगा ना एलेक्सा, एलेक्सा एलेक्सा ज़ूम ज़ूम पहले है ना लीजा, स्पाइडरमैन अंदर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, उसमें भी चिड़चिड़ बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार, जगह इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ। लीजा को यहाँ बिठाऊँ पहले, अरे कॉलर छोड़ दे गाइस, कॉलर नहीं छोड़ रही यार। जब पापा का फोन आया वहाँ पे लाइट नहीं आई, जहाँ दुकान पे सामने आग लगी ना वहाँ लाइट नहीं आई है। वहाँ एक घंटा लगेगा, पापा एक घंटे बाद आएंगे देख दाख के, फिर मशीन ऑन भी होगी। सो अभी देखते हैं क्या करते हैं। ये है ना मैंने थोड़ा अपना ब्लॉग का काम कर रहा था, अभी लिली को यहाँ से हटाते हैं यार। ये मेरी लिली है, मेरी बड़ी प्यारी लिली है, मेरी लिली 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 लिली। गेट लगाना है और आराम में यहाँ टांगता हूँ, क्योंकि ठीक है ना मेरा क्या है ना, दो तीन कुछ काम रहते हैं एडिटिंग के, जो कि मुझे निपटाने पड़ते हैं, और सारा कुछ गेट लगा के होता है, क्योंकि जो ये अभी मिक्सर चला रही है ना इसकी आवाज़ बहुत तेज आएगी, और अंदर तक तो आई नहीं होगी। गाइस फिर से बत्ती जा चुकी है, मैं अपना ब्लॉग का काम कर रहा था, फिर से बत्ती जा चुकी है। और अभी हमने ये छोटी मोटी लैंपें जला रखी हैं, कुछ रोशनी नहीं कर रही, बट फिर भी हमने जला रखी है। क्या हो रहा है पता नहीं बार बार, अभी या तो पूरी लाइट बंद करके उस चीज़ का काम कर रहे होंगे, वरना तो फिर इसी ऐसी। और आज मैंने क्या बोला था गाइस, शेड्यूल के हिसाब से ब्लॉग का एंड करा दूंगा 11 बजे तक, बट अभी 12 बज गए हैं वाले हैं, बट अभी थोड़ा चलाते हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो अभी यही चीज़ें जो कि दिखाने लायक है। लीजा को देखो गाइस घर में इधर से उधर घूम रही है अंधेरे में। लीजा कुछ कहना चाहोगी इस लाइट जाने की वजह से, कुछ कहना चाहोगी लीजा? लाइट नहीं है तो कुछ इस हिसाब से आप जैसे फोन पकड़ना गाइस, लाइट नहीं है तो कुछ कहना कि कैसा लग रहा है लाइट के बगैर? लाइट नहीं है तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है लाइट के बगैर? लाइट के बगैर
मुझे बड़ा अच्छा लगता है नीमू, मुझे लाइट बड़ी प्यारी लगती है गाइस, जाती हुई अच्छी लगती है। फोन बैठिए, कैसा लग रहा है गाइस? मना कर रही है वीडियो बनाने से, इसकी वीडियो बना रहा हूँ ना तो मना कर रही है ना लीजा। दो गाइस, तो गाइस देखो ब्लॉक करेगी अभी। लाइट लाइट आ गई गाइस, लीजा लाइट आ गई, लीजा लाइट आ गई, लाइट